मैं एक हेल्थ कॉन्शियस वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और मैं ये स्ट्रॉन्गली मानती हूँ, यू आर व्हाट यू ईट। मुझे आज भी याद है बचपन में मैं जब अपने नाना नानी के घर जाती थी और उनके खुद के फार्म से जो उनका फार्म प्रोड्यूस आता था, यानी कि दाल, चावल, सब्जियाँ, दूध, घी, उसमें जो स्वाद और सबसे इम्पोर्टेंट जो पोषण होता था वो आजकल नहीं मिलता। इनफैक्ट आजकल जो खाने वाली चीज़ों में अडल्ट्रेशन, केमिकल रेसिड्यू, एंटीबायोटिक्स, हॉर्मोन्स, ये बहुत आम बात हो चुकी है। तो क्या इन प्रॉब्लम्स का कोई सलूशन है? बिल्कुल सलूशन है, जिसका नाम है हम्पी एडू। ये हम्पी एडू क्या है? हम्पी एडू एक ऑथेंटिक, नेटिव और केमिकल फ्री फूड ऑप्शंस का वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, जहां हम किसानों के साथ जुड़ के केमिकल फ्री फार्मिंग करते हैं और उन्हीं किसानों के कृषि उपज को वैल्यू एड करके आपके जैसे कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। अच्छा, पर फिर ये एडू क्या है? भारतीय देसी गायों का जो दूध होता है उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसका साइंटिफिक नाम है A2, इसलिए इसे A2 प्रोटीन मिल्क कहा जाता है। अरे वाह। आम तौर पे हमें जो गाय का दूध मिलता है उसमें A1 प्रोटीन होता है। क्या आप जानते हैं कि हम ह्यूमंस में माँ का दूध भी A2 प्रोटीन मिल्क होता है, इसलिए हम्पी A2 मिल्क हम सबके लिए बहुत ज्यादा कंपैटिबल और पोषक होता है। पर मैं कैसे मानूं कि ये दूध A2 ही है और ये प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री ही है? हम्पी मिल्क एक A2 सर्टिफाइड मिल्क है। हम दूध पे 120 से अधिक पैरामीटर्स पे टेस्ट करते हैं। हमारे सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है और ये सारे टेस्ट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट्स हमारे 4000 से अधिक कस्टमर्स को रेगुलरली देते हैं ताकि वो वेरीफाई कर पाए। वंडरफुल। लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स में कहां और कैसे पाऊं? बहुत आसान है, हमारा एक ऐप है हम्पी A2, उसे डाउनलोड कीजिए, आपको जो चाहिए उसे सब्सक्राइब कीजिए और वो सारी चीजें डायरेक्टली हमारे फार्म से हम रोज सुबह आपके घर होम डिलीवर करते हैं। अमेजिंग। मैं तुरंत आपका ऐप डाउनलोड करूंगी। हेलो शार्क्स, मेरा नाम जयवंत है। मैं विशाल। और मैं मालविका। हम तीनों पुणे से हैं और हम्पी A2 के को-फाउंडर्स हैं। सो शार्क्स, हमारा एक एम है, जैसे हर फैमिली में एक फैमिली डॉक्टर होता है, ठीक उसी तरह हमें हर फैमिली का फैमिली फार्मर बनना है। और इसी एम को अचीव करने के लिए शार्क्स, आज हम यहाँ हमारी कंपनी के 4% इक्विटी के अगेंस्ट 75 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। थैंक यू। जयवंत, विशाल, मालविका, वेलकम टू शार्क टैंक। पहले तो नाम के बारे में बात करते हैं, बड़ा दिलचस्प नाम है। अगर आप देखोगे जो हमारी भारतीय देसी गाय होती है उसमें और जो फॉरेन ब्रीड जर्सी काउज होती है, फर्स्ट विजिबल डिफरेंस होता है हमारी गाय को हम्प होता है और इसीलिए उसके कारण हमने इसका नाम हम्पी रखा है। Very creative. ये मिल्क टेस्ट कर सकता हूँ मैं? बिल्कुल, हमारे पास। So, Sharks, अभी आपको जो सर्व किया जा रहा है ग्लास में जो है वो है हमारा A2 काउ मिल्क, आवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट। उसके अलावा दो टाइप के चीज है, एक गार्लिक और एक प्लेन चीज, एंड A2 पनीर। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगी वो है मटके में हमारा क्लासिक दही, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, कस्टमर्स का भी। ये चीज और दही बहुत बढ़िया है एंड मैं A2 का दही एंड A2 का घी मंगाती हूँ घर पे, तो काफी इट्स वेरी गुड। घी कितने का आता है? सो हमारे यहाँ पे दो वेरिएंट्स है। जो फर्स्ट वेरिएंट है वो है स्टैंडर्ड क्रीमी घी, जो ट्रेडिशनल मेथड से बना जाता है और उसका MRP is 2000 rupees a kg। और जो दूसरा है जो वैदिक हिसाब से बनाया जाता है, बिलोना मेथड जिसे बोलते हैं, जिसमें पूरे दूध को हैंड चर्न करके फिर हम उसका घी बनाते हैं, तो वो इट इज प्राइस 3200 rupees पर kg। और आप लोग कैसे एक दूसरे को जानते हैं और पहले क्या करते थे? यूनिकेन करके पुणे में एक साइबर सिक्योरिटी में प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप थी जहाँ पे हम सब काम करते थे। विशाल हमारे बिजनेस हेड थे, मैं उनके टीम का पार्ट था। मैंने अच्छा, तो आप उनको रिपोर्ट करते हैं? रिपोर्ट करते हैं। अब आप इनको रिपोर्ट करते हैं? अच्छा, ये तो बहुत मैच्योरिटी है भाई, जनरली होता नहीं है ऐसा। मच डीपर देन दैट, मैच्योरिटी है। वेरी गुड। मैंने और जयवंत ने मिलके 2017 में द ऑर्गेनिक कार्बन की शुरुआत की। मेरी मुलाकात जयवंत से एक सॉफ्टवेयर कंपनी में हुई जिसमें मैं एक इंटर्न थी और तब मुझे पता चला कि जयवंत खुद ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। मुझे जब पहली बार A2 मिल्क के बारे में पता चला, देसी गाय का दूध, ये सारी चीज़ें पता चली, उसके बाद ही तुरंत ये जो भरवाड़ कम्युनिटी है हम उनको मिले थे।
जो बेसिकली वो लैंडलेस होते हैं, पिछले कई जनरेशन से वो सिर्फ और सिर्फ गिर गाय जो देसी गाय है उसके आसपास ही उनकी जिंदगी पूरी समेटी हुई रहती है। मैं भरवाड़ समाज में से हूँ, हम गोपालन का ही काम करते हैं कई पीढ़ियों से। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम जब दूध बेचते हैं हमारा दूध का अच्छा दाम ना मिले वही होती है। जयवंत पाटिल साहब से हम 4 साल से जुड़े, उसके बाद हमें दूध के दाम अच्छे मिलते हैं, सब खर्चा चलाने में बहुत मदद होती है, बहुत अच्छा हम महसूस करते हैं। शार्क टैंक से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। हम जो काम अभी एक छोटे स्तर पर कर रहे हैं तो हम इस काम को बहुत बड़ी स्तर पर कर पाए, हम पीएटू एक ग्लोबल ब्रांड बने जहाँ पे हम लोग हमारे सारे जो इंडिजीनियस फूड है उसको दुनिया तक पहुँचा सके। और एक बड़ी घटना हुई मैं मेंशन करना चाहूंगा, 2016 में जयवंत का ये जो काम चालू था आईटी इंजीनियर से ऑर्गेनिक फार्मिंग का, इसकी दखल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने ली और 11वीं के मराठी के टेक्स्ट बुक में एक लेसन छपा जो इनकी जर्नी पे था। और उसका इफेक्ट ये है कि आगे के 4 सालों में 21 लाख स्टूडेंट्स ने वो लेसन पढ़ के, काफी सारे लोगों ने इनसे गाइडेंस लेके पर्सनली अभी फार्मिंग को करियर माना है। क्या बात है, तो ये एक हमारे लिए इंस्पिरेशन थी। वेरी नाइस। ये इंडस्ट्री में कोई क्वेश्चन नहीं है कि बहुत लार्ज है, क्वेश्चन ये है कि इतने ब्रांड बन गए हैं अभी ऑर्गेनिक ब्रांड जिसे कहते हैं, तो इसमें डिफरेंशिएशन तो वहीं आएगा मार्केटिंग और ब्रांडिंग में। बिल्कुल, आप क्या सोच रहे हैं उस विषय में? तो ये जो प्रोडक्ट्स लेने वाला जो कस्टमर है उसका जो पर्सोना है वो काफी अवेयर है, वो सिर्फ दावों पे नहीं जाता है, उसको ऑथेंटिसिटी के लिए बहुत ज्यादा चीजें पूछ के तभी वो भरोसा रखता है। जो नॉर्मल मिल्क का जो रिटेंशन रेट है वो एक 50-52% के पास आता है और हमारा रिटेंशन रेट 93% है। 93%। मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि आपने ऑलमोस्ट 20 करोड़ का वैल्यूएशन मांगा है, तो सेल्स क्या है जो ये वैल्यूएशन जस्टिफाई करती है? तो हमने अगस्त 2017 से रेवेन्यू जनरेशन शुरू किया है, तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का हमारा रेवेन्यू था 65 लाख, फिर बाद में 1.98 करोड़ हुआ, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 2.02 करोड़, फिर उसके नेक्स्ट ईयर था हमारा 2.50 करोड़, और इस साल हमने 6 महीने में 2.08 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है और हमारा प्रोजेक्शन है कि बाय दिस एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हम लोग 4 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक करेंगे। और पैसा कितना कमाओगे, क्योंकि इस बिजनेस में तो मार्जिन है ना? तो हमारे ग्रॉस मार्जिन जो है वो है 44% एवरेज, जिसमें नॉन मिल्क प्रोडक्ट जो है उसमें हमारा ग्रॉस मार्जिन 65% है और मिल्क का हमारा जो ग्रॉस मार्जिन है वो 42% है। नेट मार्जिन इस ईयर का अगर हम देखेंगे तो हमारा एबिटा 2% है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट आफ्टर पेइंग ऑल ऑफ अस हमने 1% प्रॉफिटेबल, ब्रेक इवन है। जयवंत जी, आपका जो 2 करोड़ सेल्स है 6 मंथ्स में, उसमें डेयरी रिलेटेड एंड नॉन डेयरी रिलेटेड का परसेंटेज क्या है? तो अभी जो हमारा ये इस ईयर टू डेट का जो 2 करोड़ का रेवेन्यू है उसमें 80% मिल्क का है और 20% सारी अदर नॉन मिल्क प्रोडक्ट्स का है। विजन क्या है 2 साल में, 80-20 रहेगा या 50-50 होगा? अगले 2 से 5 साल में हम ऑलरेडी ये ट्रेंड देख रहे हैं कि मिल्क से हम ट्रस्ट बना रहे हैं, वो हमारा हीरो प्रोडक्ट है, वो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शंस लेके आ रहा है, पर ग्रॉस मार्जिन्स ज़्यादा होते हैं नॉन मिल्क में, तो हम जो देख रहे हैं उसमें 60% ग्रोसरी रहेगा और 40% मिल्क रहेगा। स्प्लिट ऑफ सेल्स क्या है बिटवीन मेट्रो एंड टीयर 2 एंड टीयर 3? नहीं, अभी फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ पुणे सिटी में, अभी सिर्फ पुणे में आप 2 करोड़ बना रहे हैं? जी हाँ, यस, सिर्फ पुणे एंड पीसीएमसी। 4 करोड़, नॉट 2 करोड़। नो, 2 करोड़ इन 6 मंथ्स। अभी आप पुणे में ये सर्विस दे रहे हैं, कल को आपको दिल्ली में ये सर्विस देना होगा तो आप कैसे देंगे? आपका फार्म तो पुणे में है। हमारा जो फार्मर नेटवर्क है वो सिर्फ पुणे में नहीं है, हमने ऑलरेडी 6 सिटीज में A2 मिल के ऐसे ग्रुप ऑफ फार्मर्स को आइडेंटिफाई कर रखा है। सही टाइम आने पर और सही फंडिंग मिलने पर हम लोग ये 6 सिटीज में एक साथ शुरू कर सकते हैं। ये 6 सिटीज कौन सी है आपने कहा? मुंबई, पुणे, दिल्ली, अहमदाबाद, बैंगलोर एंड चेन्नई। आपने 2 करोड़ 6 महीने में सिर्फ पुणे में बनाया, दैट्स फैंटास्टिक। तो अगर आपको नॉन डेयरी 20-60% लेके जाना है और ये नॉन डेयरी कंपोनेंट जो है वो इतना मिलता है बाकी सिटीज में, पुणे में मैं आपको 10 ब्रांड्स बता दूंगी, तो वो मुझे कुछ डिफरेंशिएटर दिख नहीं रहा है। और वो एक सर्टन साइज का बनेगा, बियॉन्ड दैट कितना स्केल करेगा आई एम नॉट वेरी श्योर, एंड उसके वजह से आई एम आउट। थैंक
थैंक यू आई अप्रिशिएट जय डेयरी प्रोडक्ट में प्राइसिंग पावर बिल्कुल नहीं है कंट्री में अगर आप चाहो तो एक नीश बिजनेस बना सकते हो एलीट को बेच के आपको फंडिंग की जरूरत नहीं आप उसको बनाइए प्रॉफिट जनरेट कीजिए और पैसे कमाइए एंड बिल्ड अ नाइस रिस्पेक्टेबल बिजनेस फंडिंग के राउट जाते हो तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स करने पड़ेंगे मार्केट एक्सपेंशन के लिए और वो जैसे जैसे आप करोगे आपको वही जो ए टू का आपका डिफरेंशिएटर लेके आए थे दैट इज गोइंग टू गो अवे यू हैव ऑलरेडी डिस्कवर्ड दैट तो इसी वजह से मैं आपसे आज नहीं जुड़ पाऊंगा बट गुड लक आई एम सॉरी थैंक यू वी अप्रिशिएट तो मेरी ऑफर है 50 लाख फॉर 10% इक्विटी और 25 लाख लोन फॉर 12% इंटरेस्ट मेरे को ऑफर करना चाहता हूँ मैं एक मिनट मैं भी ऑफर करना चाहती हूँ मैं इससे रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि जब मेरे घर पे कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक नेचुरल ये सर्टिफिकेशंस के साथ आती है ना तो मेरे घर में मेरी दादी मेरी मम्मा बहुत खुश हो जाती है कि यार ये प्योर है इसको पीना है ना? मेरे हिसाब से इसमें टेक्नोलॉजी लगेगा दुनिया कर रही है ये काम इंटरनेट पे अगर मैं डालता हूँ ए टू मिल तो 36 कंपनीज खुलती हैं पर सबका यूजर एक्सपीरियंस बिल्कुल बेकार है पीयूष आप हर कंपनी में टेक्नोलॉजी का सेल्स पिच देते हो आप कितनी कंपनी की टेक्नोलॉजी बनाओगे एक पीयूष 100 कंपनी की टेक्नोलॉजी नहीं नहीं मैं बना नहीं रहा हूँ मेरा एक व्यू है लाइफ में अगर चीजों को स्केल करना है और इम्पैक्ट लाना है बड़ा टेक्नोलॉजी के बिना इम्पॉसिबल है राइट बिकॉज प्रॉफिट जो आपको बनाना है ना वो दो चीजों से बनता है वो बनता है वर्ड ऑफ माउथ से और वो बनता है एफिशिएंसी से वर्ड ऑफ माउथ आता है कस्टमर एक्सपीरियंस से कस्टमर एक्सपीरियंस आता है टेक्नोलॉजी से एफिशिएंसी आती है ऑटोमेशन से ऑटोमेशन आती है टेक्नोलॉजी तो मेरे लिए तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ टेक्नोलॉजी पे अगर आपका फोकस है तो ही मैं इसमें आना चाहूंगा और वहीं मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ बाकी तो आपको बहुत आता है टेक्नोलॉजी साइड पे यहाँ पे काफी काम की जरूरत है मेरा ऑफर है 75 लाख बट नाउ द वैल्यू दैट आई ब्रिंग इन मैं उसका परसेंटेज आपको बताती हूँ आई विल टेक 10% ऑफ द इक्विटी मेरा भी सेम ऑफर है 75 लाख 10% तो तीन ऑफर है आपके गजल आपको बराबर बांटना है साथ करना है अच्छा मैं और गजल साथ करने के लिए रेडी है 5-5% पे B2C के एक्सपर्ट्स पर्पस ड्रिवन ब्रांड बनाने वाले लोग जो प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं जो आपकी USP है प्लस टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज इट्स अ स्टील डील Thank you. Can you take a moment? Yeah, take a moment. Counter accept करें चाहिए counter दे सकते हैं। यार मेरे को भी ले लो deal में। 15% ले लो, 1 crore रुपए देके 15% ले लो, हो जाए, सबके पैसे कम लगेंगे। Just take it, I get it. Just take it. Don't be mad. Take it. Done, guys. आपने टाइम लिया तो हमने भी थोड़ा टाइम लिया एक ऑफर और प्रिपेयर हुई है बिकॉज विनीता भी एक्साइटेड है आपके पास दो ऑफर्स हैं एक है आप 75 लाख 10% ले सकते हैं जो मैं और गजल डिवाइड करेंगे एक है आप 1 crore 15% ले सकते हैं जो मैं गजल और विनीता डिसाइड हूँ आपको तीनों शार्क्स मिलेंगे तीनों का टाइम मिलेगा तो थैंक यू सो मच आप तीनों को आपने इतना अच्छा ऑफर दिया है तो डील पक्की आप तीनों के साथ मैं आपको एक बात बताता हूँ वैसे जयवंत आपने मुझे बताया नहीं था आपको क्या डील चाहिए मैंने चेक 33,33,000 का बना दिया था एंड दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट दिस डील दैट आई कैन प्रिडिक्ट हाउ यू आर थिंकिंग Thank you. Thank you. So, all right, congratulations. Congratulations. I think lambi rahegi thodi journey. All right, guys, all the best. Thank you. Thank you. Yes. Yeah.